नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई न्यूजीलैंड के एजेंटों के बारे में। आप लोगों का सबसे ज्यादा सवाल यही होता है कि भाई एजेंट, जी हाँ, ये है न्यूजीलैंड के मान्यता प्राप्त एजेंट हैं। जी हाँ, 27,000 एजेंट आपको मिलेंगे। ये कौन हैं, कहाँ से हैं, जो वर्क परमिट वीजा स्पॉन्सर्ड है, जो यही वीजा न्यूजीलैंड जो वर्क परमिट वीजा में जाते हैं भाई, यही जो 27,000 एजेंट हैं जो न्यूजीलैंड की सरकार ने इनको स्पॉन्सर किया हुआ है, इनको लाइसेंस दिया हुआ है, जो मान्यता प्राप्त लाइसेंस है, वही ये लोग काम करते हैं, यही आपको बुलाते हैं, वही आपको जॉब लगवाते हैं, सबके सीनी का प्रोसेस है। तो इस पर हम डिटेल से थोड़ा सा बात करेंगे तो शायद आपको थोड़ा जानकारी मिल सके। फिर भी डाउट है तो भैया सवाल कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के जो मान्यता प्राप्त एजेंट है ना, वो आपको स्पॉन्सर के साथ साथ जॉब भी देते हैं, वर्क परमिट वीजा भी देते हैं। इस पर हम देखेंगे। देखिए, शुरू से अगर फर्स्ट नंबर पर बात करें, यहीं से मिलेगा आपको न्यूजीलैंड का वर्क परमिट वीजा। जी हाँ, कहां से मिलेगा देख लीजिएगा। जो सरकार ने जिनको 27,000 से ऊपर जो मैन पावर ऑफिस है उनको, मैन पावर एजेंटों को जो लाइसेंस दिया ना, यहीं से आपको मिलता है मान्यता प्राप्त स्पॉन्सर वर्क परमिट वीजा। एक टीपी वर्क परमिट वीजा होता है। टीपी का मतलब होता है भाई टेंपरेरी वर्क परमिट वीजा। अब ये जो वर्क परमिट वीजा है ना, जो स्पॉन्सर के थ्रू मिलता है, ये 2 साल है ना, 2 साल का मिनिमम आप मान लो, उसे 4 साल तक का भी हो सकता है, आपका किस्मत हो तो 2 साल का ये वीजा होता है, टेंपरेरी वर्क परमिट वीजा, जो आपको स्पॉन्सर्ड करते हैं उसी के द्वारा ये वीजा मिलता है। लेकिन इसमें भैया आगे बात करेंगे, इतना लफड़ा कर दिया इन्होंने, इनको भी पता लग गया, न्यूजीलैंड वाले एजेंटों को पता लग गया, भैया इंडिया से अच्छा खासा जुगाड़ है, पैसा मोटा मिल रहा है, तो चेप दो इनको सबको। इस प्रोग्राम में देखिए, ये प्रोग्राम सरकार ने चालू किया था 2022 में। मैं आपको बता दूं, 2022 में लगभग शायद जुलाई में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अब इसमें कंडीशन पहले क्या रखी है इस प्रोग्राम में, कि पहले लोकल को जॉब दिया जाए भाई। पहले किसको दिया जाए, जो न्यूजीलैंड के वर्कर हैं, पहले उनको जॉब दो, फिर वो साबित कर दो कि भाई जॉब हमें यहां पे लोग जॉब के लिए नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद आप इंडियन से इंडियन लोगों को जॉब दे सकते हैं। यह साबित होने के बाद में कि भैया न्यूजीलैंड से हमें वर्कर नहीं मिले, इसलिए हम बाहर से वर्करों को हायर कर रहे हैं, यह बात साबित कौन करेगा, जो 27,000 वर्क परमिट वीजा स्पॉन्सर हैं जो सरकार ने जिनको लाइसेंस दिया है वो साबित करेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इस प्रोग्राम को बोला गया है AEWV। इस प्रोग्राम को बोला गया है AEWE। जी हाँ, इस प्रोग्राम के तहत केवल मान्यता प्राप्त एजेंट ही इंडिया से आपको वर्कर बुला सकते हैं स्पॉन्सर के थ्रू। जी, अब इसमें आगे वो थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा विस्तार से हम बात करेंगे कि इसमें आपके साथ हो क्या रहा, इसमें यह देखना जरूरी है। आप देख सकते हैं ये 27,892, आप इसको 28,000 एजेंट मान सकते हैं। ये जो 2023 में लगभग 80,576 लोगों को वर्क परमिट इन्होंने दिया था, कितने, लगभग 80,000 लोगों को वर्क परमिट वीजा पे न्यूजीलैंड बुलाया गया था। अब इसमें देखिए 90% एजेंट तो ठीक हैं, चीटिंग नहीं करते, बाकी 10% लोग है ना, ये भी चीटिंग कर लेते हैं। एजेंट एजेंट है भाई, दल्ला है, वो चाहे इंडिया का हो चाहे कहीं हो। अब ये लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए। पिछले बार 6 लोगों का एजेंटों का लाइसेंस रद्द किया गया, 5 एजेंट थे उनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया, और 52 एजेंट हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए, 1723 एजेंट हैं उनकी जांच चल रही है। जी हाँ, इन एजेंटों को गलत करने पे सजा के साथ स्टैंड डाउन करना, परमानेंट बंद करने का भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अथॉरिटी दी गई है। जी हाँ, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के अनुसार ये प्रोसेस चलता है। अब ये एजेंट क्या करते हैं कि 28,000 एजेंट हैं, अब इनका टारगेट है इंडिया, तो चलो हम तो इंडिया है, इंडियन है तो इंडिया की बात करेंगे, बाकी न्यूजीलैंड में बहुत सारी कंट्रीज के लोग जाते हैं, 50-60 कंट्रीज के लोग, इनसे कॉन्टेक्ट कौन करता है, जो इंडिया के लोग हैं न्यूजीलैंड में बैठे हैं, जो स्टूडेंट वीजा में चले गए, जो किसी भी दूसरे बिजनेस वीजा में चले गए है ना, जो टूरिस्ट वीजा में चले गए, वही लोग, आप यकीन करिएगा, इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं ना फिलहाल के टाइम, वही लोग सबसे ज्यादा, स्टूडेंट गए थे उनका टारगेट सिर्फ वहां पहुंचना था, काम छोड़ छाड़ के अलग प्रोसेस में चले गए, एजेंट बन गए ज्यादातर लोग, सोशल मीडिया पे आ गए, सबने नंबर दे रखे, आ जाओ जी हम वर्क परमिट करवाते हैं। ये बातें क्यों कर रहा हूं भाई, मैं तो उनको फोन करके नहीं पूछता, आप ही लोग उनसे बात करते हैं, फिर आप ही लोगों के से कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो वो बताते हैं, ठीक है जी, समझ रहे बातें। और उसमें से भाई इन एजेंटों को, जो न्यूजीलैंड वाले, इनको पता लग गया कि मोटा पैसा है, शुरू शुरू में तो ठीक था सिस्टम, कोई खर्चा कितना लगता है भाई इस वीजा का, $750 कितना बन जाता है इसका, और पैसा कितना ले रहे हैं, 15 से 20 लाख रुपए। इंडिया के जो 115 लोग फंसे थे वो इनकी तो मेहरबानी थी ना, एजेंट फोन बंद करके भाग जाते हैं ये लोग। अब इनके ऊपर चलो पुलिस का बोलती है कार्रवाई करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, इंडिया में भी पुलिस कार्रवाई करती है, क्या उखाड़ लेते हो, पैसे तो चले गए ना, आप न्यूजीलैंड पहुंच भी जाते हैं, आपके पास वर्क परमिट वीजा भी है, जॉब नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली, क्या करोगे, वो जिम्मेदारी तो इन एजेंटों की है, आपको वहां पे जॉब लगवाना, तनख्वाह देना, इन एजेंटों की जिम्मेदारी है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, यही आपको वीजा देंगे, यही आपको वहां बुलाएंगे, वर्क परमिट वीजा लगाएंगे और जॉब लगाएंगे। और बहुत सारे लोगों ये सोचते हैं कि यार इनके पास जॉब नहीं है तो क्या दूसरी जगह कर लेंगे, ऐसा रोल नहीं है भाई, मैं वहां का स्पॉन्सर हूं,
मैंने आपको स्पॉन्सर किया तो आप मेरे पास ही जॉब करोगे, दूसरी जगह जॉब करते हुए पकड़े जाते हैं, आपको पकड़ा जाता है तो आप इलीगल एक्टिविटी में आओगे, तो आपको भेजा जा सकता है इंडिया, रिपोर्ट किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम हो गई ना, नैले पे देला। एक तो उन लोगों को पैसा दिया, वो चीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने जॉब नहीं लगवाया, तनख्वाह नहीं दे रहे, टाइम पे जॉब नहीं है, दूसरी जगह जाओगे तो इलीगल एक्टिविटी में आओगे। तो करे क्या, कितनी बड़ी समस्या है। तो न्यूजीलैंड जाने वाले भाई लोगों से रिक्वेस्ट है, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह चल रहा है फिलहाल के टाइम में। तो थोड़ा सा सावधानी से पैर रखने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है किसी के भी पास बैंक में पैसा नहीं है 15 लाख 10 लाख। सब लोग कहीं ना कहीं कर्जे से, लोन से, जमीन गिरवी रख के, गोल्ड गिरवी रख के, सैलरी पे लोन, पता नहीं कैसे कैसे करके जुगाड़ करके पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद आप लोगों के सपने टूट जाते हैं। तो भैया थोड़ा सा बचें, साथियों को भी बचाएं, बस ये अपडेट हमारी तरफ से देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीजन करके साथ। जय हिंद, जय भारत।